कृष्ण को तत्व प्रशभान की किशोरी। हेलो जी, राम राम। स्वागत है हमारे ब्लॉग में आप सबका। आज जीवतिया का पारण का दिन है, लेकिन ये वीडियो जीवतिया के दिन का है। मैं जीवतिया के दिन गई हुई थी, हमारे घर के पास पोखरा है एक, अभी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पोखरा में पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी माताएं बहनें वहाँ पे जीवतिया कर रही थी। सभी आंटियाँ लोग, पानी नहीं था फिर भी वो लोग बाहर से पानी ले लेकर आ रही थी। यहाँ का पोखरा एकदम सूख, पोखरा तो बिल्कुल ही सूख गया था, और लेकिन जब जिसको पूजा करना है तो वो करेगा ही। यहाँ पास में ही बहुत अच्छा सा झूला लगा हुआ था, तो बच्चे उस पर खेल रहे थे और मैं चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ मेरे जान पहचान के लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, लेकिन जो भी थे वो लोग पूजा ही कर रहे थे, तो मैं चुपचाप सबको देख ही रही थी। फिर भी अच्छा लग रहा था वहाँ जाके सबको देख के, सब लोग इतने अच्छे अच्छे दिख रहे थे। आज के दिन सभी मम्मी लोग आज के दिन जीवतिया का व्रत की थी, तो सब लोग अच्छी अच्छी दिख रही थी, क्यूट क्यूट दिख रही थी। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ माताएं लोग सब लोग बैठ के कथा सुन रही थी, वो लोग खुद में ही कथा कह रही थी। कथा तो इतना शोर था कि सुना ही नहीं दे रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, सब लोग आपस में खेल रहे थे। अभी देखिए पोखरा के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था। हमारे यहाँ अर्चड़ा में भी जीवतिया का पर्व होता है, लेकिन अभी आप लोग को मैं वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी। वहाँ तो बहुत अच्छा था, पानी भरा हुआ था पोखरे में, सब लोग बहुत, वहाँ जो नहाना चाहे वो नहा भी सकता है। यहाँ तो कोई एक लोटा पानी भी नहीं ले सकता, क्योंकि पोखरा तो पूरा सूखा हुआ है। तो हम लोग के रसड़ा में मतलब घर की बहुत याद आती है, कभी कभी अपने यहाँ का त्यौहार बहुत याद आता है। अभी दूर चले जाओ तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं